الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم محترم علماء کرام बुज़ुर्गों और दोस्तों नौजवान साथियों पर्दा नशीन माँ और बहनों प्यारे बच्चों मझलाडी के इस इलाके में काफ़ी अरसे के बाद हाजिर होने का मौका मिला है। बहुत पहले मेरा ख़्याल है कि इस इलाके में जब मैं आना मेरा शुरू हुआ था बिल्कुल इब्तदाई दौर में 2008-09 के आसपास में एक मरतबा मेरा प्रोग्राम मझलाडी में हुआ था। उसके बाद भी एक दो मरतबा आया हूँ लेकिन काफ़ी लंबी गैपिंग के बाद अब आपके दरमियान आया हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आम तौर से जलसों में 12 बजे के बाद आवाम की तादाद बहुत कम रहती है, जो एक माहौल और मिजाज बनता चला जा रहा है। अब रात भर के प्रोग्राम को लोग पसंद नहीं करते और अच्छा भी नहीं है। ये अलग बात है कि आपके इलाके में रिवाज है
आप लोग चला रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक ही प्रोग्राम होना चाहिए उसूलन, जो सही है। लेकिन बहरहाल रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, बड़ी अच्छी तादाद मेरे सामने मौजूद है। हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख नियाज अहसन तैमी साहब का पुरमग़्ज़ खिताब अभी आपने समाप्त किया, अब मुझे आपके सामने हाजिर किया गया है और ये हुक्म दिया गया है कि जब तक आप हैं तब तक मैं बोलूं। तो अब भाई इस शर्त पर आपको भी खड़ा उतरना पड़ेगा, जहां मैं ये देखूंगा कि पब्लिक उठ करके जाने लगी, फिर वहीं वहीं से मैं वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह करके उड़ जाऊंगा यहां से इंशाल्लाह। कुरान करीम की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं खुतबे मसनूना के बाद। सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4। मेरी पूरी तकरीर आज इन्हीं 3 आयतों की रोशनी में होगी। ये 3 आयतें हैं, इन 3 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों की 5 क्वालिटी बयान की। भाई हम और आप इस बात का दावा करते हैं कि हम और आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हमारा यह दावा कितना सच्चा है अल्लाह ने कसौटी बता दी। यह कसौटी है, यह 5 सिफात हैं, यह 5 क्वालिटीज हैं। अगर ये तुम्हारे अंदर हैं तो तुम मोमिन हो, अगर नहीं है तो फिर अपने ईमान पर तुम नजर सानी कर लो, अपने ईमान के बारे में विचार कर लो, सोच लो तुम्हारा ईमान सही नहीं है। तो आइए पहले इन 3 आयतों का तर्जमा देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। कुरान मजीद सूरह अनफाल आयत नंबर 2, 3, 4। انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، الذين اذا ذكر الله جب اللہ تعالی کا نام لے لیا جائے، جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے، वजिलत कुलूबुहुम तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना और जब उनके सामने अल्लाह तबारक व ताला की आयतें पढ़ करके सुनाई जाती हैं, ज़ादतुहुम ईमाना तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून और वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। अल्लज़ीन युकीमूनस्सलात वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून और जो रोजी हमने उनको दी है, जो पैसा हमने उनको दिया है, जो धन दौलत हमने उनको दिया है, उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो सदका करते हैं, वो खैरात करते हैं, वो दान करते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, वो यतीमों की मदद करते हैं। 5 क्वालिटी हो गई। अब ये 5 क्वालिटी जिसके अंदर पैदा हो जाए उसको मिलेगा क्या? उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह ने फरमाया यही वो लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके रब के पास इनको बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा, बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनका रब इनको माफ कर देगा और इनका रब इनको बड़ी पाकीज़ा रोजी अता फरमाएगा, इनको जन्नत की रोजी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये था इन 3 आयतों का ट्रांसलेशन, इनका अनुवाद जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब आइए फिर से इस आयत पर एक एक चीज पर हम गौर करते हैं।
आयत की स्टार्टिंग किस चीज से हो रही है? इन नमल मोमिनूना, मोमिन तो वो लोग हैं। अब भाई मोमिन किसको कहते हैं? ईमान वाले। अब ये ईमान क्यों जरूरी है? भाई हम अगर गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम ईमानदार हैं, हम लोगों के काम आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो भाई साहब आपका गरीबों की मदद करना, आपका यतीमों की मदद करना, आपका स्कूल चलाना, आपका यतीम खाना चलाना, आपका कुआं खुदवाना, आपका ट्यूबवेल लगवाना आखिरत में कोई काम नहीं देगा। ईमान ये फाउंडेशन है, ये इमारत की बुनियाद है। बुनियाद नहीं तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो आपकी कोई नेकी अल्लाह ताला के काम आने वाली नहीं है। मक्का वाले भी बहुत सारी नेकियों के काम किया करते थे, हाजियों को वो सत्तू पिलाया करते थे, हाजियों को खाना खिलाया करते थे, खाने काबा की तामीर भी वो किया करते थे, वो मस्जिद की तामीर भी किया करते थे, वो गरीबों की मदद भी किया करते थे। सारी खूबियां उनके अंदर थी मगर ईमान उनके अंदर नहीं था, तौहीद उनके अंदर नहीं थी। अल्लाह ने फरमाया अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाह। ए मक्का वालो, तुमने हाजियों को पानी पिलाकर, तुमने खाने काबा की तामीर करके अपने आप को समझ लिया कि तुम मोमिन के बराबर हो गए। नहीं नहीं, तुम मोमिन के बराबर कभी नहीं हो सकते। ला यस्तवून इन अल्लाह, एक मोमिन के बराबर तुम कभी नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के नजदीक तुम लाख नेकियों के काम कर लो, तुम एक मोमिन के बराबर नहीं हो सकते। ईमान तो जरूरी है मेरे। कल जुमा का दिन है, मुझे पता नहीं आप सूरह कहफ की तिलावत करते हैं कि नहीं करते। नहीं करते तो कल से करना शुरू कर दो। हर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले तक आप 20 मिनट का टाइम निकालो, कुरान का 15वां पारा खोलो और सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दो, घर में ऐसी बरकत आएगी आप सोच नहीं सकते। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रोशनी मिलती है, नूर मिलता है। अब अल्लाह की तरफ से जो नूर मिलेगा वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते वो नूर कैसा होगा। उस नूर की बरकत, उस नूर का असर हमें अपनी सेहत पर भी समझ में आएगा, अपने कारोबार में भी समझ में आएगा, अपने बच्चों में भी समझ में आएगा, अपने परिवार में भी समझ में आएगा। तो सूरह कहफ जरूर पढ़ा करो, 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा नॉर्मल तिलावत करने में। जुमा के दिन फजर के बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले तक आप पढ़ सकते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक जगह एक बात बयान की, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे जो अमल के एतबार से बड़े घाटे में होंगे, बड़े खसारे में होंगे, बड़े नुकसान में होंगे। वो अमल तो करेंगे लेकिन उनके अमल का कोई सवाब उनको नहीं मिलेगा। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, दुनिया में उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उनकी नेकी के काम बर्बाद हो जाएंगे। वो तो ये समझ रहे होंगे हम नेकी के काम कर रहे हैं, आखिर में हमें बदला मिलेगा, आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन आखिरत में उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ईमान शर्त है मेरे भाई। ईमान के बगैर आपको अल्लाह ताला के किसी नेकी का सवाब मिलने वाला नहीं है। और एक चीज इसमें और ऐड कर लो, अल्लाह ताला के कोई भी अमल कबूल होने की दो शर्तें हैं, एक तो ईमान जरूरी है और दूसरे आप जो अमल कर रहे हैं वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। कल से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, मौली साहब कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है।
मौली साहब शबे बरात की रात आने वाली है, रात भर इबादत करना कैसा है? सिंपल सा जवाब है, नबी ने रोजा रखा है तो रोजा रखना सही है। नबी ने रात में नमाज पढ़ी है अगर 15 शाबान की रात में तो नमाज पढ़ना सही है, वरना ये गड़बड़ है, ये बिदात है, ये गुमराही है। मेरे प्यारे भाई, जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता वो शबे बरात की रात, इसको बरात की रात कहा गया, इसको जहन्नम की आजादी की रात कहा गया। माफ कीजिए, इस रात की फजीलत में कोई सही हदीस मौजूद नहीं। रोजा रखा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी शाबान के महीने में रोजा रखते थे, मगर 15 शाबान को खास तौर से रोजा रखना आपसे साबित नहीं है मेरे प्यारे भाई। और आजकल तो एक नया ट्रेंड और चला है, जैसे ही शाबान का महीना आया, 15 शाबान आने वाली है, व्हाट्सएप पर लोग माफी मांगने चले आते हैं कि भाई 15 शाबान को सारे बंदों के आमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आपको मैंने बुरा भला कह दिया हो, आपको मैंने कुछ कह दिया हो, तो भाई साहब मुझे माफ कर दे। मेरे पास भी 2-4 लोगों के मैसेज आए, मैंने कहा पहले मेरे मोबाइल में रिचार्ज करो तब तो मैं माफ करूंगा भाई, 100, 200, 500 का रिचार्ज करो उसके बाद माफी मांगो, क्या ये फ्री में माफी मांग रहे हो? अजीब दुख है मेरे भाई, माफी मांगी जा रही है। सोशल मीडिया का दौर है ना, ट्रेंड चल गया है, ये तमाम चीजें गलत है मेरे प्यारे साथी। अगर आपको शाबान के महीने में रोजा रखना है, आप पूरे महीने रोजा रखिए, अल्लाह के नबी रखते थे। बल्कि एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, अल्लाह के नबी रमजान के अलावा अगर किसी महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखते थे तो इसी शाबान में रखते थे। और अम्मा आयशा कहती है कि मैं अपने छूटे हुए रोजे इस महीने में पूरा करती थी, क्योंकि अल्लाह के नबी भी रोजा रखते थे तो मुझे भी आसानी होती थी, मैं भी रोजा रखती थी। तो औरतों के अगर छूटे हुए रोजे हों तो अगले रमजान के आने के पहले पहले उनको रखना है, शाबान में रख लें, और जाहिर है औरतों के छूटते ही है रोजे तो वो पूरा कर लें इस महीने में। लेकिन हां, अगर आप नफिल रोजा रख रहे हैं इस महीने में तो 15 शाबान के बाद मत रखिए, अल्लाह के नबी ने मना भी किया है, क्योंकि 15 शाबान के बाद अगर आप रोजा रखेंगे तो हो सकता है रमजान का फर्ज रोजा रखने में आपको कमजोरी महसूस हो, आप उतना हक अदा न कर पाए, इसलिए इस महीने में आप रोजा रखिए, 15 के पहले पहले रखिए, जब आधा महीना हो जाए उसके बाद आप रोजा मत रखिए। तो ईमान पहली कंडीशन है अल्लाह ताला के अमल के कबूल होने की, और दूसरी कंडीशन है कि आपका अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप यकीन माने बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ। हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे बनारस में आते हैं, आपके बिहार से, आपके झारखंड से, आपके बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से, और बनारस की सड़कों पर पैदल चलते हैं वो, और बड़ी अकीदत से वो अपने इबादत खाने में जाके इबादत करते हैं, गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, गंगा नदी के पास से जब ट्रेन गुजरती है उस नदी में वो पैसा डालते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम अपने किसी गैर मुस्लिम भाई को गाय की इबादत करते हुए देखते हैं, अपने आदिवासी भाइयों को सूअर और दूसरे जानवरों की इबादत करते हुए देखते हैं, अपने ईसाई भाइयों को हम देखते हैं वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं, हम जब बौद्ध मजहब के लोगों को देखते हैं कि वो गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, जब हम जैन मजहब के लोगों को देखते हैं कि उनका जो संत होता है, उनका जो बुजुर्ग होता है, वो नंगे बदन होता है, उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं होता, वो पब्लिक के सामने मादरजाद नंगा होकर के घूमता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम ये सारे के सारे मंजर देखते हैं तो बेख्तियार हमारे दिल से ये आवाज निकलती है, आय अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें तौहीद बनाया, तूने हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाया, वरना हम भी किसी गाय के आगे हाथ जोड़ रहे होते, हम भी किसी जानवर की पूजा कर रहे होते, हम भी किसी पत्थर
पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहे होते, अय अल्लाह अगर तूने ये मकाम हमें दिया है कि हमारी पेशानी अगर झुकती है तो तेरे आगे झुकती है, तो अय अल्लाह तेरा बहुत बड़ा कर्म है कि तूने हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको चार पैसे कम मिल रहे हैं दुनिया में, मेहनत मजदूरी करके आपकी जिंदगी गुजर रही है, आपके इसी झारखंड से बहुत सारे लोग यूपी के अंदर जाकर के रिक्शा चलाते हैं, बंगाल से कई लोग वहां जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर आप मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, दो वक्त की रोटी सिर्फ खा रहे हैं चैन से, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर आप ईमान वाले हैं, क्योंकि आपके पास वो दौलत है जो टाटा और बिरला के पास नहीं है, जो अडानी और अंबानी के पास नहीं, वो दौलत आपके पास है, आपके पास ईमान की दौलत है। और ये दौलत इतनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाजा कल कयामत के दिन हमें और आपको होगा।